भी अपने बो के पेरेंट्स को देखा है? अगर नहीं तो आज मैं उनका चेहरा दिखाने वाली हूँ। और एक एपिसोड में ऐसा क्या हुआ कि मिकी माउस अपने खुद के कुत्ते की जान लेने के लिए तुला हुआ था? गाइस मैं आज सबसे अजीब एपिसोड के बारे में बताने वाली हूँ, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर वन, फिनियस एंड फर्ब रेडी फॉर द बेबीज। फिनियस एंड फर्ब एक ऐसा कार्टून था जिसमें काफी सारे सॉन्ग थे, जिसमें से कुछ को छोड़कर बाकी सारे ओरिजिनल सॉन्ग थे। लेकिन रेडी फॉर बेटी नाम के इस एपिसोड में फिक्शनल बैंड होता है, जिसकी वजह से डिज्नी का तबला बजाया गया था। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि कैंडस और उसकी फ्रेंड स्टीसी एक कॉन्टेस्ट जीत जाती है, जिसमें उन्हें अपने फेवरेट बैंड के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलता है, जिसका नाम था बेटी। लेकिन जब ये एपिसोड रिलीज हुआ तो इसी के नाम से एक रियल लाइफ में भी बैंड था, जिसने डिज्नी पर केस कर दिया, जिसके बाद इस एपिसोड को US टेलीविजन से हटा दिया गया 2015 तक। उसके बाद पता नहीं डिज्नी और बेटी के बीच क्या डील हुई जो इस एपिसोड को वापस ला दिया गया। नंबर टू, सिंचन मिस्ट्री ऑफ बोच एंड पेरेंट्स। बेशक सिंचन सबसे क्यूट बच्चा है, लेकिन कुछ अजीब भी, जिसके 5 फ्रेंड्स हैं। लेकिन आज हम इस मिस्टीरियस बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बोचेन। इसके पेरेंट्स के बारे में आज तक कुछ नहीं बताया गया कि वो कौन है और क्या राज है उसके पीछे। बोचेन सिंचन शो का काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो काफी सुस्त है। लेकिन उसके पेरेंट्स को मांगा कॉमिक्स में तो दिखाया गया है, लेकिन शो में क्यों नहीं दिखाया गया इसका कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया गया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बोचेन के पेरेंट्स को लेकर हाइप काफी है, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स को ऐसे ही किसी शो में वो नहीं दिखाना चाहते। हो सकता है सिंचन की किसी बड़ी मूवी में बोचेन के पेरेंट्स का फेस रिवील किया जाए, जिससे ये मूवी की मार्केटिंग भी हो जाएगी। नंबर थ्री, मिकी माउस मिनी टेक केयर ऑफ प्लूटो। अगर आज भी मैं डिज्नी का नाम लेती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले मिकी माउस का ही इमेज आती है, और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन मिकी माउस का एक इतना खराब एपिसोड था, जिसमे मिनी ऐसा काम करती है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि मिकी प्लूटो को अपने फ्रेंड मिनी के पास छोड़कर चला जाता है बिना कुछ बताए, जिससे मिनी को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, और वो प्लूटो को धमकी भी देती है कि मेरे रास्ते में मत आना, जिसके बाद वो उसे जहर देने की कोशिश करती है। फिर उसे जिंदा दफनाने का भी ख्याल आता है, यहाँ तक कि उसे एक वेपन से मारने तक की भी कोशिश करती है, और ये सब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब बस प्लूटो इमेजिन कर रहा था, लेकिन ये सारी चीजें स्क्रीन पर दिखाने की वजह से ये आइडिया कार्टून के यंग ऑडियंस के लिए बहुत खतरनाक लग रहा था, जिसकी वजह से इससे भी बैन कर दिया गया। गाइस ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता है कि आज की ये ऑनलाइन स्टडी की प्रिडिक्शन हमारे फेवरेट कार्टून डोरेमोन ने पहले ही कर रखी थी? और ये एप्पल के लोगो में आधा खाया हुआ एप्पल ही क्यों है? और एप्पल कंपनी के सबसे पहले लोगो को देखकर आप हैरान रह जाओगे। और आखिर कैसे नेस्ले ने एक छोटे से बच्चे की जान बचा ली थी? गाइस आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो देख लो, बहुत मजेदार है। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।